हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे काफ़ी खतरनाक ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप इसके अपने कैरेक्टर को यहाँ पर छोटा कर पाओगे, और साथ ही साथ आप इन ट्रिक्स से यूज़ करके अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर सरप्राइज कर पाओगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, मैं पहले ट्रिक है काफ़ी अमेजिंग है, और सर्ट्रिक का यूज़ करके आप अपने रैंक को काफ़ी इजीली यहाँ पे पुश कर पाओगे, और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। और यह जो ट्रिक है काफ़ी यहाँ पे आसान भी है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट एयर वाले मैप में आ जाना है, और जैसे पे इस वाले मैप के अंदर आ जाओगे फिर आपको प्लाजा एरिया के पीछे वाली साइड आ जाना है। तो जैसे पे आओगे फिर आपको यहाँ पे दो कोकोनट वाले ट्री देखने को मिल जाते हैं। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इन पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पे चढ़ना होगा, जैसे मैं यहाँ पे चढ़ूंगा। और जैसे पे पेड़ के ऊपर यहाँ पे चढ़ते जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे कैप को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, आपको इस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने स्कोप को यहाँ पे खोल लेना है। जैसे आप स्कोप को यहाँ पे खोल लोगे फिर आपको अपनी जॉयस्टिक का सामने तरफ यहाँ पे मूव करते रहना है। तो जैसे मैं अपनी जॉयस्टिक यहाँ पे मूव करता जा रहा हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे अपनी जॉयस्टिक का आगे तरफ यहाँ पे मूव करते जाना, और जैसे पे करते जाओगे फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे आप अपनी जॉयस्टिक का आगे तरफ यहाँ पे मूव करते रहोगे तो फिर आप यहाँ पे देखना जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो इस पेड़ के ऊपर है काफ़ी ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। और गाइस, जैसे भी यहाँ पर आ जाओगे फिर आप यहाँ देखना जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो पूरी तरह से यहाँ पे हाइड हो जाएगा। और गाइस, एक्सेलरेटर का यूज़ करके आप अपने रैंक को काफ़ी इजीली यहाँ पे पुश कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने एनिमी को यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस, आपको ट्रिक क्या कैसी लगी, अगर आपको ट्रिक यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। तो चलते हैं वो अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, मैं नेक्स्ट ट्रिक है ये भी काफ़ी खतरनाक है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नया मोड देखने को मिल रहा है ब्यूटीफुल लव नाम से। तो आपको इस वाले मोड के अंदर यहाँ पे चले जाना है, और जैसे पे इस वाले मोड के अंदर यहाँ पे चले जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे कैब को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, जैसे आप अंधी तरफ यहाँ पे आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने सिंपली से यहाँ पे इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर लेना है। जैसे आप इंटरनेट को यहाँ पे ऑफ कर लोगे फिर आपको यहाँ पे 30 से 40 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। और जैसे आप 30 से 40 सेकंड यहाँ पे वेट कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे कैब को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, यहाँ पर मुझे 30 से 40 सेकंड यहाँ पे हो चुके हैं। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने इंटरनेट को दोबारा से यहाँ पे ऑन कर लेना है। और जैसे पे इंटरनेट को यहाँ पे ऑन कर लोगे फिर आपको अपने पिंक का यहाँ पे नॉर्मल होने का वेट करना है। तो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे पिंक को यहाँ पे नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे मेरी यहाँ पे पिंक नॉर्मल हो जाएगी फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर मेरी पिंक यहाँ पर नॉर्मल होने वाली है, और जैसे मेरी पिंक यहाँ नॉर्मल हो जाएगी फिर आपने देखना आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ कुछ अलग से यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और गाइस, जैसे ही आपके सामने की तरफ यहाँ पे देखोगे फिर आपने देखना जितने भी आपके सामने यहाँ पे कैरेक्टर होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अपने से यहाँ पे बड़े देखने को मिल जाते हैं, और जो आपका यहाँ पे कैरेक्टर होता है वो सीधा लॉबी के नीचे आ जाता है। और यह जो ट्रिक है काफ़ी यहाँ पे अमेजिंग भी है। इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आपका कैरेक्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगता है जैसे कि आपका यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे छोटा सा हो चुका। तो आप भी इस वाले ट्रिक का यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो। तो गाइस, आपको ट्रिक कैसी लगी, अगर आपको ट्रिक यहाँ पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, मैं नेक्स्ट ट्रिक है ये भी एक तरह से यहाँ पे काफ़ी खतरनाक यहाँ पे ग्लिच है। तो इस वाले ग्लिच का यूज़ करके आप अपने रैंक को काफ़ी इजीली यहाँ पे पुश कर पाओगे। तो इस वाले ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फिर से नेक्स्ट एयर वाले मैप में आ जाना है। और जैसे पे इस वाले मैप के अंदर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इंटेलेक्ट सेंटर के पास आ जाना होगा। और जैसे भी यहाँ पर आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे लॉन्च पैड देखने को मिल जाता है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाले लॉन्च पैड को यहाँ पे यूज़ करना है। और जैसे मैं यहाँ पे लॉन्च पैड के एम को यहाँ पे सेट करूँगा आप भी बिल्कुल वैसे यहाँ पे एम को यहाँ पे सेट कर लेना। और जैसे आपने लॉन्च पैड को एम को यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करके यहाँ पे लॉन्च करोगे फिर आप देखना जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो सीधे सामने यहाँ पे पेड़ की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। और अगर जैसे आपका कैरेक्टर सामने पेड़ की तरफ यहाँ पे आ जाएगा फिर आगे जाके आप मेरे कैरेक्टर को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, जैसे आप पेड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा पीछे की तरफ यहाँ पे चले जाना है। तो यहाँ पर आप अपने स्कोप की मदद भी यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे आप स्कोप को खोल के यहाँ पे जंप करोगे तो आपका कैरेक्टर काफ़ी जल्दी सामने की तरफ यहाँ पे चले जाएगा। और जैसे आपका कैरेक्टर सामने की तरफ यहाँ पे आ जाएगा फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सामने पेड़ की यहाँ पे टहनी देखने को मिल जाती है। तो आपको अपने स्कोप की मदद से आगे बढ़ते जाना है। और जैसे आप करते जाओगे तो यहाँ पर एक टाइम आएगा जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो उस टहनी के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे सिंपली से यहाँ पे लेट जाना है। तो जैसे आप लेट जाओगे फिर आपने देखना जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो सीधा अंदर टहनी के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। और गाइस, एक्सेलरेटर का यूज़ करके आप अपने आप को यहाँ पर टोटली यहाँ पे हाइड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप कैम करके अपनी रैंक को काफ़ी इजीली यहाँ पे पुश कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको अपने एनिमी को यहाँ पे किल करना होगा तो आप सिंपली से यहाँ पे बैठ जाना, और जैसे आप बैठ जाओगे तो आप अपने एनिमी को यहाँ पे काफ़ी इजीली यहाँ पे किल कर पाओगे। सो गाइस, जितने भी ट्रिक्स मैं आपको शुरू बताया सारे ट्रिक्स आपको कैसे लगी, अगर आपको सारे ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।